केंद्र की मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार लंबित है। वहीं कुछ मंत्रियों के निधन तथा इस्तीफे के कारण मंत्रिमंडल में आधा दर्जन मंत्रियों की सीटें खाली हो चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर तथा 11 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव में अच्छी बढ़त बनाने के बाद एनडीए के हौसले बुलंद हैं। सरकार दो तरह से विस्तार के विषय पर कार्य कर रही है। पहला, शीघ्र चुनाव वाले राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु शामिल है। दूसरा, सरकार गैर एनडीए शासित राज्यों में भी राजनीतिक दृष्टि से मंत्री बनाने की तैयारी कर रही है ताकि आने वाले समय में वहां बेहतर स्थिति बनाई जा सके। पश्चिम बंगाल में जहां शीघ्र चुनाव होने हैं वहां पीएम कम से कम दो मंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू पुनः सरकार में शामिल हो जाएगी। अब वहाँ पार्टी पूरी तरह से भाजपा के रहमो करम पर राज कर रही है। सहयोगी दलों में अकाली और शिवसेना के साथ छोड़ने के बाद एनडीए राजस्थान में अपने इकलौते सहयोगी हनुमान बेनीवाल को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में शानदार जीत के बाद ज्योतिरादित्य की मंत्रिमंडल में ताजपोशी तय है। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी एनडीए में शामिल हो सरकार में अपनी पार्टी के लिए जगह बना सकते हैं। वहीं तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अगला चुनाव एडीएमके के साथ लड़ने का ऐलान कर यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडीएमके के किसी सांसद को जगह मिल जाएगी। महाराष्ट्र में अभी सहयोगी के रूप में रामदास अठावले की पार्टी एनडीए में शामिल है, जबकि शिवसेना एनडीए से पूर्व में अलग हो चुकी है और शिवसेना के पुनः एनडीए में लौटने के कोई आसार नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में 4 मंत्री हैं। अब हनुमान बेनीवाल के साथ राज्यवर्धन सिंह को शामिल किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा में चुने गए राजेंद्र गहलोत को लेने के लिए संघ का दबाव बना हुआ है। ऐसे में मौजूदा 2 मंत्रियों की छुट्टी संभव है। पंजाब में अकाली दल द्वारा मंत्रिमंडल छोड़ने के बाद पंजाब में किसी अन्य सांसद को सरकार में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की कवायद के बीच यह चर्चा जोरों से है कि रामविलास पासवान की खाली हुई सीट पर उनके पुत्र चिराग पासवान को बिठाया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार की तनातनी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी किसी तरह की जोखिम नहीं उठाएंगे। फिर चिराग पासवान का प्रदर्शन विधानसभा में बहुत कमजोर रहा है, इसलिए उनको पार्टी फिर मजबूत नहीं करना चाहेगी।